हे गाइस, वेलकम बैक प्रादीन। तो गाइस, अभी हम इस वीडियो में करने वाले हैं कुछ इस टाइप की ग्लोइंग जेलीफिश वाली फोटो एडिटिंग। तो गाइस, ये फोटो एडिटिंग देखने में काफी ज्यादा क्रिएटिव एंड ऑसम है। तो गाइस, इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड और पीएनजी यूज हुए उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। एंड गाइस, डिस्क्रिप्शन में लिंक है स्टडी का, वहां से जाकर मुझे फॉलो। वहां पर गाइस मैं ये सब कॉन्सेप्ट डालते रहता हूं। और गाइस, अगर अभी आप हमारे चैनल पर हैं तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। एंड यार, वीडियो लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलना। तो गाइस, चलिए बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो आपने अपनी फोटो को पिक्सआर्ट में ओपन कर लेना है। और गाइस, उसके बाद से रिसाइज कर लेना है। तो गाइस, आपने ग्रीन बैकग्राउंड नहीं लेना है, तो मैं अभी बता रहा हूँ कि आपको कहाँ से ये बैकग्राउंड लेना है। तो सिंपली यहाँ पर पहले हम रिसाइज कर लेते हैं। और यहाँ पर रिसाइज करने के बाद से हम ऐड फोटो पर जाते हैं। और मैं आपको गाइस बैकग्राउंड दिखा देता हूँ। गाइस, ये सेम वही बैकग्राउंड है। तो गाइस, आपने इसी पर अपनी फोटो को ऐड करना है अगर आपके पास ऐसा बैकग्राउंड नहीं है। तो सिंपली हम यहाँ से इसको डन करते हैं, सॉरी यहाँ पर बैक कर लेंगे इसको। और गाइस, उस पर ऐड करने के बाद हम सिंपली एफएक्स में जाएंगे। और एफएक्स में आने के बाद सिंपली आपको फिर से वहीं में एफएक्स वाले फिल्टर में जाना है। और वहां पे आपको बी एंड डब्ल्यू यानी ब्लैक एंड व्हाइट का ऑप्शन मिलेगा। गाइस, आपको उस पर चले जाना है। तो यहां पर हम देख लेते हैं कि हमारा फिल्टर कहाँ है, ये रहा। तो गाइस, हम इस फिल्टर को अप्लाई करेंगे और यहां पर सिंपली हम इरेजर टूल पर चले जाएंगे। और बस इसे हम अपने फेस या स्किन पर से इसे इरेज कर लेंगे। तो हम यहां पर इसको जल्दी जल्दी थोड़ा कर लेते हैं। तो गाइस देखिए, हमने यहाँ पे इसको परफेक्टली कर लिया है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ से डन करेंगे। और गाइस, डन करने के बाद हम फिर से एफएक्स वाले टूल पे जाएंगे। और गाइस, इसमें आने के बाद से वहीं एफएक्स में सेम वही में जाएंगे। और यहाँ पर आपको लूमा नाम का एक इफेक्ट मिलेगा, गाइस आपको उस पर चले जाना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं उसको भी। तो ये रहा। तो गाइस, इसमें आने के बाद से आपने क्या करना है कि इसका जो अमाउंट है उसको फुल जीरो कर देना है। सॉरी, यहाँ पर हम जीरो कर देते हैं। और जो इसका विगनेट है उसको हम रख देंगे 70%, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको 70% रखते हैं। और उसको इतना रखने के बाद से हम सिंपली उसको डन कर देंगे। और डन करने के बाद से उसके बाद से हम सिंपली ड्रॉ टूल में गाइस अपने चले जाएंगे। तो यहाँ से हम सिंपली अपने ड्रॉ टूल में चलते हैं। और यहाँ ड्रॉ टूल में आने के बाद से हम सिंपली लेयर्स पे जाते हैं। और यहाँ से गाइस हम ऐड फोटो पर चले जाएंगे। ऐड फोटो पर जाने के बाद से आपको जेली फिश की पीएनजी मिलेगा, आपको उसको ऐड कर लेना है। तो गाइस, आपने उसे अपने फेस के अकॉर्डिंग ऐड करना है। तो जहाँ पे भी आपका फेस हो, आप लगाना चाहते हो, वहाँ पे आप लगा सकते हो। तो हम यहाँ पर इसको लगा देते हैं। और यहाँ पर लगाने के बाद से इसका ब्लेंडिंग मोड जो है उसको आपने स्क्रीन रख देना है, ठीक है। और इतना लगाने के बाद से आपने फिर से एम्प्टी लेयर बनानी है। और उसके बाद से गाइस आपने चले जाना है ऐड फोटो पर। और गाइस, इसमें आने के बाद से आपने सिंपली जो एक लेंस फ्लेयर के पीएनजी मिलेगी गाइस, उसको ऐड कर लेना है। तो इसको भी जो आपकी जेली फिश होगी उसके जस्ट आगे आपने इसे ऐड करना है। तो सिंपली हम यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेते हैं। और इसका ब्लेंडिंग मोड जो है उसको हम रख देते हैं स्क्रीन। तो देखिए, ऐसा लग रहा है कि जेली फिश हमारे फेस पर चमक रही हो। और गाइस, आप चाहो तो आप इसमें ट्रांसफॉर्म करके एडजस्ट कर सकते हो। तो हम यहाँ पर बस इतना ही रखेंगे। तो हम सिंपली यहाँ पर इसको डन करते हैं। और उसके बाद से हम यहाँ पर सीधे फोटो लेयर से जाते हैं। और यहाँ पर एक और आपको जेलीफिश की पीएनजी मिलेगा, जो आपने उसको ऐड कर लेना है। और गाइस, इसको ऐड करने के बाद सिंपली इसका ब्लेंडिंग मोड जो है उसको स्क्रीन रख देना है। और स्क्रीन रखने के बाद से देखिए गाइस, आपका कुछ इस तरह का होगा, थोड़ा ग्लोइंग टाइप में हो जाएगा और भी ज़्यादा। तो सिंपली अब यहाँ से हम क्या करते हैं, अपनी फोटो को डन करते हैं। और गाइस, डन करने के बाद से हम सिंपली ऐड फोटो पर चले जाएंगे। और यहाँ पर जो हमारी जेली फिश, छोटी छोटी जेली फिश वाली पीएनजी है गाइस, उनको हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो इनको ऐड करने के बाद हम सिंपली इसका ब्लेंडिंग और स्क्रीन कर देते हैं। और स्क्रीन रखने के बाद से हम डन करेंगे। और उसके बाद से गाइस अगेन हम ऐड फोटो पर चले जाते हैं। और जो हमारी सेकेंड पीएनजी है वही, तो उसको हम ऐड कर लेते हैं। और इसको ऐड करने के बाद से इसका भी ब्लेंडिंग मोड गाइस चेंज करके हम स्क्रीन रख देते हैं। और यहाँ पर स्क्रीन रखने के बाद से हम सिंपली इसको अब डन कर देंगे। और डन करने के बाद से गाइस हम फिर से ऐड फोटो पर जाते हैं। और यहाँ एक पार्टिकल्स वाली फोटो ऐड कर लेंगे। तो गाइस, इसको ऐड करने के बाद से सिंपली आपने इसको फुल स्क्रीन पे कर देना है। और यहाँ पर इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करके स्क्रीन रख देना है। और यहाँ पर ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन रखने के बाद से आपने क्या करना है, सिंपली गाइस इरेजर पर लेते जाना है। और यहाँ पर हार्डनेस को 40%, ओबेसिटी 40%, एंड गाइस साइज को भी आपने 40% रख देना है। तो यहाँ पर गाइस हम तीनों को 40% कर देते हैं। और फिर गाइस आपने इसे अपने फेस के ऊपर से हल्के हल्के बस इरेज कर लेना है, ताकि कुछ ज़्यादा ना लगे आपके फेस के ऊपर। तो सिंपली यहाँ पर करने के बाद हम इसको डन करते हैं।
और गाइज यहां से डन करने के बाद हम सिंपली अपने ड्रॉ टूल में जाते हैं और गाइज यहां से अपनी फोटो को करेंगे सेव और चलेंगे लाइटरूम में। तो गाइज यहां पर हम अपने लाइटरूम में आ गए हैं। तो गाइज इसके लिए मैंने एक पहले से प्रीसेट बना रखी है ताकि गाइज आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो गाइज सिंपली हम उस वाले प्रीसेट पर जाएंगे और यहां पर प्रीसेट पर आने के बाद सिंपली यहां पर कॉपी सेटिंग करेंगे। तो यहां पर हम दोनों सबको टिक कर देते हैं और यहां पर उसके बाद हम अपने जाएंगे फोटो पे। तो यहां पर अपने आते हैं और उसके बाद से गाइस इस पे हम करेंगे पेस्ट। तो गाइस इस पे पेस्ट करने के बाद से देखिए आपका कुछ एकदम और भी ग्लोइंग टाइप में हो जाए, एकदम सही लगने लगेगा देखने में फोटो। तो उसके बाद से अगर आप चाहो तो इसमें थोड़ी बहुत कलर चेंजेस भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हम सिंपली कलर पे जाते हैं और यहाँ पर सीधे आपने मिक्स टूल पे चले जाना है, फिर ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, फिर इसका ह्यू जो है आपने अगर माइनस कर रहे हो तो देखिए कुछ इस टाइप का हो जाएगा। तो ये इसमें कलर चेंज होते रह जाएंगे, तो रेड टोन में हो जाएगा और ये येलो टोन में है, तो मुझे येलो टोन सही लग रहा है तो हम सिंपली उसी को रखेंगे। और उसके बाद से गाइज हम अपनी फोटो को करेंगे सेव। तो इस कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। एंड गाइज अगर वो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना एंड गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर देना।